गणतंत्र दिवस पर निबंध बोलने जा रही हूँ। मेरा निबंध कुछ इस प्रकार है। गणतंत्र दिवस भी अन्य राष्ट्रीय पर्वों की भांति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी ये बुक ला रही हूँ। 1950 के ही दिन हमारे देश के नए संविधान को लागू किया गया था। यह संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिश्रम और विवेक से तैयार हुआ था। इस संविधान को लागू करके हमने अपने राष्ट्र को पूर्ण सत्ता संपन्न धर्म निरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तब से भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। अंत में भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। 26 जनवरी के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी दिन ही भारत के नए संविधान को लागू किया गया। धन्यवाद।